देखिए, हमारी प्राथमिकता तो हमेशा देश होती है। हमारी पार्टी राष्ट्रहित की काम करती है, राष्ट्रहित में योजनाएं बनाती है और जो निर्देश देती है हम उसके सिपाही की तरह उसको कार्यान्वित करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दृष्टि क्या है, सोच क्या है और कार्य पद्धति क्या है। हम उसके एक बहुत छोटे सिपाही हैं। 20 साल पार्टी ने दायित्व तो हमको विधानसभा में दिया। मैं आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का और नड्डा जी का, हमारे संगठन मंत्री माननीय बंसल जी का, जिन्होंने महसूस किया कि अब मुझे इस अनुभव के साथ राज्यसभा में जाना चाहिए। ये मेरे लिए फख्र करने का और गर्व का विषय है और दायित्व व जिम्मेदारी भी है। राज्यसभा बहुत बड़ा पैनल है और इतनी बड़ी राज्यसभा देश में दुनिया में कहीं नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र निर्माण में राज्यसभा के पटल पर बहुत सारे विषयों पर हम लोग बहस करते हैं। सारे विषयों पर हम अपनी राजनीतिक दृष्टि को मजबूती से रखने का काम और देश को दिशा देने में जो भी एक गिलहरी की भूमिका होती है उसको निभाने का काम करेंगे। 8 प्रत्याशियों में एक जातिगत संतुलन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग समाज से लोग आए, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो आप लोग देखते हैं, हम लोग को दिखता उखता नहीं है। मेरी कौन सी जात है पिछले 20 साल में मैं आज तक जान नहीं पाया। मेरी जाति एक ही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब मीडिया के लिए और हमारे विरोधी दलों के लिए जाति बंटवारा करना उनकी एक सगल है, उनकी स्ट्रेटजी है, वो उनकी समस्या है। आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे जैसा कार्यकर्ता जो आज तक दिल्ली नहीं गया, मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने कभी राज्यसभा के टिकट की कल्पना नहीं की थी, अगर विधानसभा से उठा करके राज्यसभा में बैठा दिया गया तो ये बताता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को समभाव से देखती है, उनकी योग्यता क्षमता और उनके मेहनत उनकी निष्ठा के आधार पर उनकी दायित्वों को तय करती है। हम कार्यकर्ताओं को जाति तो बहुत दूर की बात है, हम धर्म में बांट करके नहीं देखते हैं। हम कार्यकर्ता को कार्यकर्ता के व्यक्तित्व उसके सोच के अनुरूप ही निर्णय लेते हैं। अब स्वाभाविक रूप से वो किसी किस जात के तो होंगे ही, ऐसा तो समाज है नहीं जिसमें कोई हिंदू हो और किसी की जात ना हो। आप उसे जात में बांट लें ये आपकी देखने की दृष्टि हो सकती है, हमारे लिए ऐसी कोई दृष्टि नहीं है। आखिरी सवाल लूंगा, मुख्तार अब्बास नकवी जी नहीं जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज से कोई चेहरा फिलहाल इस लिस्ट में नहीं है, आपको लगता है कि उनका समावेश किस तरीके से होगा? मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, बहुत राष्ट्रवादी दृष्टि है, बहुत प्रखर सोच है, बहुत संतुलित व्यक्तित्व है। पार्टी ने जब जनवरी में मेरा टिकट हटाकर योगी जी को दिया तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब का टिकट कट गया। आज 3 महीने बाद पता चल रहा है कि पार्टी की हमारे एक लिए एक योजना थी। तो आज अगर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, हम सबके वरिष्ठ हैं, उनका नाम अगर राज्यसभा में नहीं है तो पार्टी की योजना है। जैसे फूल खिलता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी खूबसूरती बाहर आती चली जाती है, एक एक पल्लव खुलते जाते हैं। ऐसे ही मुख्तार अब्बास का भी पल्लव किसी दिन आप देखेंगे किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे खुल गया। विपक्ष के जो 3 नाम है, एक गठबंधन का साथी है, एक इंडिपेंडेंट है और एक जो है समाजवादी पार्टी के सिंपल पर मुस्लिम समुदाय से आ रहा है, इन तीनों को 2024 के लिहाज से कैसे देख रहे हैं, जो मैसेज देने की कोशिश? मैं 2024 का लिहाज तो बहुत दूर की बात है, मैं दल बदल को सबसे घटिया काम मानता हूँ। कोई कमजोर आदमी, गरीब आदमी, अशिक्षित पिछड़ा आदमी दल बदल करे, दबाव में आके दल बदल करे, लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं दल बदल करे तो समझ में आता है। कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, लोकसभा दिया, राज्यसभा दिया, 5-5 विभागों का मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री दर्जे का खरबपति है, आज कांग्रेस कमजोर हो गई तो छोड़ के कांग्रेस को चल दिए, तो डूबते हुए जहाज से चूहे भागते हैं। तो मैं कपिल सिब्बल का मूल्यांकन एक चूहे की तरह करूंगा। जिस तरह से उन्होंने आजम खान की बीमारी को ब्लैकमेल किया है और जिस तरह से आजम खान का दबाव बनवाकर उन्होंने राज्यसभा का की टिकट प्राप्त की है, ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार ही है।